ईशान ने भिजवा दिया सभी को जेल, कैसे आएगी अब वो बाहर। पर दोस्तों गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा किस तरह से सभी जेल पहुंचने वाले हैं और ये सब होने वाला है ईशान की वजह से। ईशान के घर में सभी आधी रात को आ गई थी, इस वजह से ईशान सभी को जेल पहुंचवा देगा, जिससे यशवंत, सुरेखा, निशिकांत सब के सब बहुत खुश होंगे। लेकिन सभी जेल में से बाहर कैसे आएगी ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं इस वीडियो में। पर सबसे पहले आज आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा परिवार खड़ा है, जहां पर ईशान सभी के लिए बहुत सी चीजें बोल रहा है। उसने सभी के लिए कहा कि पता नहीं ये आधी रात को हमारे घर में क्यों आ गई है और पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रही है। इस पर सभी कहती है, ईशान सर अभी तो आपने कहा था कि आप तैयार हो गए हैं चलकर ईशा मैम से बात करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, सच को जानने के लिए, बट आपने फिर से यहाँ पर पलटवार कर दिया। इस पर ईशान कहता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, तुम ही तो कहती हो मैं बहुत तेज हूँ, तो अब देखो मेरी हर चीज। वहीं पे ईशान जो है कहता है पुलिस वालों से कि ले जाइए इसे, क्योंकि ये मेरे घर में आधी रात को जबरदस्ती घुसाई है। इस पर सभी अपने बयान दे रही होती है कि तभी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे लेकर चली जाती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कैसे सभी ईशान की हरकत देखकर हैरान है। और वहीं दूसरी तरफ जब पूरा परिवार पूछता है कि आखिर ईशान ने ऐसा क्यों किया, तो ईशान जवाब देता है कि अरे अक्का साहब पूछो मत, ये लड़की इतनी पागल है, मुझसे कह रही थी ये चाहती है कि मैं ईशा मैम के पास जाऊं और वहां जाकर उनसे बातें करूं, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, और पता नहीं इसे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने वो पैसे मांगे हैं 3 लाख रुपए। इस बात पर यशवंत, सुरेखा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं उनका भांडा ना फूट जाए। वहीं निशिकांत जो है उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है, लेकिन ध्रुवा बहुत खुश है क्योंकि उसका तो प्लान जैसे सक्सेस हो गया, उसने कुछ किया भी नहीं और सभी जेल भी चली गई। ये सारा सीन चल रहा है, ईशान भड़क रहा है। वहीं दूसरी तरफ सभी जो है वही वहाँ पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर है उससे बात करती है और कहती है, मैम प्लीज मुझे जान दीजिए क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा है। आपको तो पता है ना कि मैं आधी रात को अगर घर में गई तो मुझे तो सारे रास्ते पता होंगे, ये लोग मेरे साथ जानबूझकर कर रहे हैं और मेरी ईशा मैम हॉस्पिटल में अकेली है, उनका ख्याल कोई नहीं रख रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जैसे तैसे सभी जो है उस पुलिस वाले को पटा लेती है और वहाँ से चली जाती है और साथ ही कहती है, ईशान भोसले अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो अब सभी क्या करने वाली है ईशान के पीछे पलटवार, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से भी फॉलो करें।